हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को एंड तक देखें। ये वीडियो हमारे क्लास की है जब हमारे बीएड बैच का फर्स्ट सेमिनार हुआ था, जिसमें रोल 1 to 5 के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करा था। उनके सेमिनार का टॉपिक था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सारे स्टूडेंट्स उस दिन प्रेजेंट थे क्योंकि सेमिनार सभी को अटेंड करना था। सेमिनार स्टार्ट होने में टाइम था, तो तब तक कुछ लोग अपना नोट्स बना रहे थे, कुछ डिस्कशन कर रहे थे और कुछ लोग वेट कर रहे थे। बोर्ड को भी काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया था, फ्लो चार्ट्स इंक्लूड करा गया था और रोल 1 to 5 के स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छे से अपने सेमिनार को प्रेजेंट किया। और इसी बीच कुछ लोग वेट करते करते सो गए, जैसा कि ये हमारे सर, ये भी सो गए। और इन्हीं की तरह एक और हैं जो वेट करते करते उन्हें भी नींद आ गई। तो इसी तरह काफ़ी एक्साइटमेंट था क्योंकि ये हमारा फर्स्ट सेमिनार था, तो सब काफ़ी एक्साइटेड थे कि सेमिनार कैसा होगा, कैसे सब प्रेजेंट करेंगे। और क्लास में काफ़ी सफोकेशन फील हो रहा था, तो कुछ लोग बाहर भी वेट कर रहे थे टीचर्स के आने का कि टीचर्स आएंगे कब और सेमिनार कब स्टार्ट होगा, देन कब वो लोग रोल 1 to 5 का प्रेजेंटेशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि रोल 1 to 5 ने कैसे अपने सेमिनार को प्रेजेंट करा। एजुकेशन की बात करेंगे, इसमें पहला पॉइंट है यूनिवर्सलाइजेशन। इसका मतलब है कि सभी तक सार्वभौमिक पहुंच, प्री स्कूल टू सेकेंडरी दी जाने वाली अधिकांश शिक्षा और अर्जित कौशल अगले 30 वर्षों में उपयोगी नहीं है। क्या क्या नीतियाँ लाई गई और हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, विषय यानी मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने के लिए एक व्यापक ढांचे का प्रस्ताव करती है। सेमिनार को कंक्लूड करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो भारत में शिक्षा के विकास के रोड मैप की रूपरेखा तैयार करता है। यह ज्ञान आधारित समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है।